केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध। नाला सफाई के नाम पर हर साल मेरठ नगर निगम के अफसर व जनप्रतिनिधि करोड़ों रुपया सरकारी खाते से निकालकर बाहर बहा देते हैं, लेकिन नाला सफाई नहीं होती। गंदगी से नाले लबालब भरे होने का ही असर है कि जरा सी बरसात होते ही मेरठ की प्रमुख सड़कें तक जलमग्न हो जाती हैं। यहाँ बात बाहरी व निचले इलाके की नहीं हो रही है। रविवार को थोड़ी सी बारिश से शहर की सड़कें चलने लायक नहीं रही। यूं तो सारा शहर ही इस समस्या से ग्रस्त है, लेकिन शहर के पॉश इलाकों में शामिल शास्त्री नगर में जल भराव की सड़कें मेरठ नगर निगम के अफसरों व जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाने के लिए काफी हैं। शहर के बाशिंदे मेरठ की ट्रिपल इंजन की सरकार से सवाल पूछ रही है कि नाला सफाई के नाम पर हजम किया गया यह पैसा आखिर गया कहां और अभी भी आखिर जा कहां रहा है। देखिए शास्त्री नगर की मुख्य सड़क, नई सड़क का ऐसा दृश्य जहां भरे पानी से वहां निकालते हुए 10 बार सोचना पड़ रहा है। इस बारे में व्यापारी नेता व सात फेरे बैंक्वेट हॉल के संचालक विपुल सिंघल से जब फर्स्ट बाइट टीवी ने बात की तो उनका यह नजरिया सामने आया। मानसून वर्ष 2023 मेरठ, मेरठ में ट्रिपल इंजन की सरकार, बावजूद इसके सड़कों पर पानी भरा है। वाहनों के अंदर ट्रिपल इंजन लगाने की आवश्यकता नजर आती है। टू व्हीलर बंद हो रहे हैं, गाड़ियों के अंदर पानी आ रहा है, दुकानों में पानी जा चुका है, घरों में पानी है, हर जगह पानी ही पानी दिख रहा है। सफाई के सारे वादे झूठे मायने दिखाई देते हैं। आवश्यकता है सड़कों पर काम करने की, अधिकारियों को दफ्तरों से बाहर निकलकर जाकर स्वयं मुआयना करने की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।